नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है INT20 शिवानी में, और मैं हूँ आपके साथ शिवानी तिवारी। हिंदू धर्म में शुभ कार्यों जैसे पूजा पाठ इत्यादि में तिलक लगाने की परंपरा है। तिलक हल्दी, सिंदूर, रोली, केसर, चंदन या भस्म का लगाया जाता है। तिलक लगाने से स्वभाव में सुधार आने के साथ देखने वाले पर सात्विक प्रभाव पड़ता है। यहाँ जानिए माथे के बीच तिलक लगाने के क्या कारण हैं और किस उंगली से तिलक लगाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर अनामिका उंगली से तिलक लगाया जाता है, जो अधिकतर पूजा पाठ या मांगलिक कार्यों के समय लगता है, लेकिन कुछ खास वजह से भी तिलक लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि मोक्ष प्राप्त करनी हो या ज्ञान की प्राप्त करनी है तो तिलक अंगूठे से लगाना चाहिए। यदि शत्रु नाश करना हो या किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो तो तर्जनी उंगली से, धन प्राप्ति करने है तो मध्यमा उंगली से, और शांति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा करने के लिए अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। ज्यादातर तिलक चंदन से लगाया जाता है। तिलक संग चावल लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कुंडली में गुरु की दशा चल रही है तो आप रोजाना स्नान के बाद केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे गुरु के दोष खत्म होते हैं। लाल चंदन का तिलक लगाने से सूर्य और बुध ग्रह मजबूत होते हैं। सिंदूर का तिलक लगाने से देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन सिंदूर का तिलक लगाने से सुख समृद्धि आती है। मनुष्य के शरीर में 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें अपार शक्ति का भंडार कहा जाता है। माथे के बीच में तिलक लगाने का कारण यही है, क्योंकि यहाँ आज्ञा चक्र होता है। शरीर में मौजूद सभी 7 चक्रों में से ये चक्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज्ञा चक्र बुद्ध का केंद्र है। यहाँ पर शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियाँ आकर मिलती हैं। साथ ही आज्ञा चक्र से ही पूरे शरीर का संचालन होता है। शरीर का केंद्र स्थान होने की वजह से माथे के बीच में तिलक लगाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलते हैं आगे, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।